राम राम भाई लोगों, थारा भाई जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट। आज भाई लोगों बीट बनाएंगे लाइव, लूपरमैन पे आ जाते हैं अपने वापस से और इस पे देखते हैं इस पे कैसे सिस्टम होगा। तो जैसे ही फाइंड लूप दबाओगे तो इस कैटेगरी से मिलते हुए सारे लूप ये ढूंढ के दे देगी तुमको। अब देखो ये सारे गिटार के लूप आ गए, अब चलो सुनते हैं इनको। क्या फील आ रहा है, वाह। बहुत मस्त फील आ रहा है, तो चलो इसी को उठा लेते हैं अपना। यहां से डाउनलोड दबाना है, सीधा डाउनलोड होता है, एक बार लॉगिन कर लिया फिर कुछ भी झंझट नहीं है, सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते। अब यहां से मैं लूप को उठा के डायरेक्टली डाल लेता हूँ, ये मैं यहां से उठा के जॉइन फोल्डर और इसको सीधा सीधा मैं एफएल स्टूडियो में डाल लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पटक दिया इसको, ठीक है। तो ये वाला एफएल स्टूडियो में आ गया और पूरा का पूरा 8 बार का लूप है, तो सुनते चलो इसको। एकदम परफेक्टली टेम्पो पे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना लूप आ गया। अब भाई ये तो सिर्फ अपने पास मेलेडी आई, अब इसमें जो गाने के मतलब गाने के जो स्ट्रक्चर में चीजें आती है, मेलेडी आती है, बेस आती है, ड्रम आते हैं, तो मेलेडी तो हमारे पास आ गई भाई और फील भी आ रहा है इससे, मस्त फील आ रहा है कि भाई इस पे फाड़ देंगे एकदम मस्त गाना बना देंगे। अभी हमको ड्रम बनाने पड़ेंगे और इसके साथ में बेस। तो बेस में कौन सी बेस काम में लेनी है, तुम्हारे को 808 बेस काम में लेनी है या फिर तुम्हारे को सिंथ बेस काम में लेनी है, वो सोचना पड़ेगा। लेकिन ये क्योंकि ट्रैप बीट टाइप का सैंपल है तो इस पे 808 बेस ही काम आएगी। अब ड्रम के सैंपल स्टार्टिंग में कोई भी काम में ले लो, एक बार फील फील जब आ रही हो ना तो फिर रोको मत अपने आप को ढूंढने में कि भाई ये ड्रम चाहिए वही ड्रम चाहिए, कोई भी मिले वो ले लो काम में। जैसे मैं प्लगइन सॉरी 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 एफएल सैंपल में चलते हैं और यहाँ पे मैं साइमेटिक्स को उठा लेता हूँ। जैसे मैं एस्ट्रो हिप हॉप का वन शॉट किक 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 किक, अब देखो इसके साथ कौन सा किक अच्छा लगता है, तो बजा के सुनेंगे इसको। हाँ मुझे ये ठीक लग रहा है, तो चलो ये वाला किक हम उठा लेते हैं यहां से, ये उठा लिया। इसके साथ एक स्नेर चाहिएगा, स्नेर भी उठा लेते हैं, देखते हैं। ये ठीक लगा मुझे, ये उठा लिया मैंने। चलो इनको डिलीट कर देते हैं, ऊपर वालों की जरूरत हमें इतनी है नहीं। ओके ये उड़ा दिया मैंने, जगह थोड़ी खाली हो जाए। अब मैं हाई हैट का एक बार फिल H2 शेप है ना, और सुनते हैं यहाँ पे, सुनो। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, एक एक हटा देते हैं बीच में से। ये हटा दी, ये हटा दी, ये हटा दी, फिर यहाँ पे दिया और फिर यहाँ पे दिया और फिर यहाँ पे दिया और यहाँ पे दिया। नहीं नहीं ये ठीक है, तो चलो अभी देखो 808 लेते हैं अपना। 808 देखो मैंने ये डाउनलोड किया है, जो मेलेडिक हिप हॉप बीट होती है ना उसमें देखो मैंने एक स्पेशल टाइप के 808 देखा कि भाई काम में लिए जाते हैं, वो यहाँ पे देखो टाइप का जो फटावा साइट आता है ना, ये बहुत काम में लेते हैं भाई वो। चलो चलो ये वाला 808 लगा के देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समस्या ये आएगी कि 808 चलता है की में, तो 808 जो ट्यून है वो सी पे ट्यून है और हमारी जो ये मेलेडी है इसका है ई माइनर। ई माइनर देखो यहाँ पे स्केल दिखाता है ना मैंने, ई माइनर है। सुनते हैं भाई, चलो सुन सुन के करेंगे कानों से, तो कौन सा 808 का पैटर्न। अब सबसे बढ़िया ट्रिक जो बता सकता हूं मैं 808 बनाने के लिए वो ये कि हाई नोट में बनाओ पहले, ठीक से सुनेंगे। जैसे देखो एक तो यहां मैं 808 बजाऊंगा, अब मुझे ठीक से सुनेगा नहीं कि भाई सही की में है सही नोट में नहीं, तो ऊपर बजाऊंगा तो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि भाई कौन सा नोट है। तो चलो वाह, ई नोट तो एकदम सही हो रहा है क्योंकि ई माइनर में देखो। चलो तो ई में करते हैं एक बार, इसको मैं हाई नोट में बनाया, नीचे ले जाता हूं और सबसे मेन बात 808 जब भी काम मिले तो यहां पे कट इट सेल्फ जरूर कर देना भाई मेरे। तो
एटोएट जो बनाया वहां पे अगर किक डालना तो किक भी डाल सकते हो, मेलेडिक बीट में किक कई लोग डालते कई लोग नहीं डालते, तो किक हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। जैसे हमने एक पैटर्न बनाया था उसमें किक डाले थे यहाँ पे, तो किक चाहो तो कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई, ये हो गई भाई साहब, लो ये लो भाई, एक लूप बन गया जिस लूप पे तुम गाना गा सकते हो। अब ये जो है मिक्स नहीं किया हुआ, मास्टर नहीं किया हुआ, कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ हमने लूप बनाया जिस पे लिरिक्स रिकॉर्ड कर सके, और जब लिरिक्स रिकॉर्ड होगी उसके बाद में कोई चेंज करना। जैसे 808 में भाई मैं नहीं चाहता कि यार एक ही एक नोट पे चले, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बदले, तो चलो करके देखते कुछ। ये वाला भी ऊंचा ले जाता हूं मैं, सुनो। चलो ये वाले नोट्स लेते हैं। अब स्टार्ट वाला जो पैटर्न था ना ये वाला, देखो ये पैटर्न और ये पैटर्न भी अलग अलग है, सुनो। इसमें साथ में एक टॉप मेलेडी और चल रही है, तो हमने जो 808 में एडजस्टमेंट किए वो उस पहले पहले वाले पैटर्न के फर्स्ट पार्ट के हिसाब से किए, तो जिसपे सूट हो रहे थे वो, लेकिन दूसरा पार्ट थोड़ा अलग आ गया। सुनो, इसमें टॉप मेलेडी हट गई और एक लोअर मेलेडी चलने लगी, तो उस पे हमारा 808 पैटर्न ये वाला सूट नहीं कर रहा, जो पहले बनाया था वो कर सकता है। तो अब अलग अलग पार्ट के लिए हमें अलग अलग 808 पैटर्न बनाने पड़ेंगे, तो हम क्या करेंगे भाई, ये सेम पैटर्न है तो यहाँ पे मेक यूनिक लाएंगे दूसरे वाले पार्ट पे, तो ये एक अलग पार्ट बन गया। अब इसको अल्टर कर लेंगे हम फिर से, जहां पे हमने स्टार्ट किया था वहीं पे कर देंगे सब। ये लो, इसको मैंने यहाँ कर दिया और इनको भी उठा के नीचे कर देता हूँ, और इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ। अब सुनते चलो स्टार्ट से। तेरे बिना मैंने जीना नहीं सीखा, तेरे बिना मैंने जीना नहीं सीखा, ना 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 ना। अब मैं एक फ्लो बताऊं, फ्लो फ्लो सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बीट बनाते रहो, मजे करते रहो, चलता हूं।